हाय देयर, ये ECO401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 27th लेसन है। इसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड। इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन कंटिन्यूड है। तो इसके अंदर सबसे पहले है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई द क्लासिकल व्यू। एग्रीगेट डिमांड के बारे में पिछले लेसन में आपको बताया जा चुका है। अगर आपने पिछला लेसन नहीं देखा तो एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए आपको पिछला लेसन देखना होगा। यहाँ पे आपको एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले क्लासिकल व्यू है कि क्लासिकल का क्या व्यू है एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। सो क्लासिकल का जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है वो वर्टिकल कर्व है। बिल्कुल ऐसा कर्व है जो एक स्ट्रेट कर्व है, बिल्कुल खड़ा हुआ कर्व है। सो क्योंकि क्लासिकल के मुताबिक जो इकोनॉमी होती है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर होती है, इस वजह से। सो अब इस कर्व को देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर दिखाया जा रहा है एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये एक वर्टिकल कर्व है। सो अगर शिफ्ट होता है एग्रीगेट डिमांड में, सो एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट होने से आउटपुट लेवल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब भी एग्रीगेट डिमांड के अंदर शिफ्ट आएगा तो उससे सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन होगा, उससे महंगाई होगी और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक तरीका है क्लासिकल के मुताबिक एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने का, और वो यही है कि अगर एग्रीगेट सप्लाई का कर्व जो है उसको शिफ्ट कर दिया जाए। अगर उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा तो ही आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। जो आउटपुट है उसको तभी बढ़ाया जाएगा अगर एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है उसको शिफ्ट कर दिया जाए। और वो हो सिर्फ शिफ्ट होगा न्यू रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से, टेक्नोलॉजी से और वेज रेट वगैरह से। सो ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कर्व। सो अब आप देख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बिल्कुल वर्टिकल है। अब अगर डिमांड को बढ़ाती है कोई गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को, तो अगर AD0 से AD1 हो जाएगी डिमांड, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? सिर्फ प्राइस बढ़ेगी, P0 से P1 प्राइस हो जाएगी। और अगर AD1 से फिर AD2 अगर उसकी एग्रीगेट डिमांड करेगी गवर्नमेंट, तो उससे भी और ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी। सो प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं। क्वान्टिटी जो है वो Q* पे, क्योंकि क्लासिकल का मानना है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहती है, इस वजह से। अब कीन्जियन व्यू की अगर हम बात करें, तो जो कीन्जियन का कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है अगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है। दो हिस्सों में डिवाइड है जो कीन्जियन का व्यू है। अगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है तो वो हॉरिजॉन्टल है, और फिर जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो उसके बाद फिर वो कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। सो अब इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर आप देखें कर्व को, दो हिस्सों के अंदर है। QF का मतलब होता है क्वांटिटी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली। सो एक्स जो पॉइंट है या फिर QF, इससे पहले सेगमेंट हॉरिजॉन्टल है, यानी कि उससे पहले अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाएगा तो जाहिर बात है एग्रीगेट डिमांड से आउटपुट भी बढ़ेगा और प्राइस के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद देखेंगे तो प्राइस के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाएगा। सो शिफ्ट होने से, एग्रीगेट डिमांड के कर्व शिफ्ट होने से क्या होगा? इम्पैक्ट होगा आउटपुट लेवल के ऊपर। सो आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। और कीन्स का मानना है कि प्राइस जो वो शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड है। सो Q* से पहले जितना भी इसको बढ़ाया जाएगा एग्रीगेट डिमांड को, सो उससे पहले प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस एग्जैक्टली सेम रहेंगे। लेकिन जो क्वांटिटी है उसके अंदर, आउटपुट के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन जब Q* के बाद बढ़ाया जाएगा एग्रीगेट डिमांड को, तो तब भी आउटपुट तो बढ़ेगा लेकिन प्राइस भी साथ में बढ़ेंगे। सो ये कीन्स का व्यू है। नाउ द कीन्स डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज। सो जो कीन्स की डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज थी, इनको प्रैक्टिस किया बहुत सी गवर्नमेंट ने। जब डिमांड वेंट ऑफ हुई साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से इकोनॉमी की, और रिसेशंस के अंदर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग को इंक्रीज किया और प्राइवेट सेक्टर्स को भी इनक्रेज किया। और जो बूम पीरियड था उसके अंदर इसका अपोजिट हुआ, इसका उलट हुआ। सो कीन्स की पॉलिसीज ने काफ़ी हद तक जो ग्रेट डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व कर दिया, और जो प्रॉब्लम्स क्लासिकल सॉल्व नहीं कर पाए थे उन प्रॉब्लम्स को कीन्स के व्यूज़ ने सॉल्व कर दिया। लेकिन कीन्स की पॉलिसीज को ऐसी सिचुएशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता जहां पर प्राइस भी बढ़ रहे हैं और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ना शुरू हो गई हैं, जिसको हम स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। पाकिस्तान में भी अक्सर ऐसी सिचुएशंस देखने में आती है कि प्राइस भी बढ़ रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहे हैं, दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही है। सो 1970 के अंदर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होने शुरू हुई थी जब ऑयल प्राइस शॉक आया था, और फिर जो है वो कीन्जियन इकोनॉमिक्स का डिक्लाइन आ गया। सो कीन्जियन इकोनॉमिक्स जो है वो स्टैगफ्लेशन के अंदर अप्लाई नहीं हो पाई। सो उसके बाद फिर मॉनिटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आया।
और जिसको जिसके अंदर सबसे ऊपर जो नाम आता है वो मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने सेपरेट कर दिया इन्फ्लेशन को और प्राइस को, और फ्रीडमैन के मुताबिक इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा और हर जगह पे जो है एक मॉनेटरी फिनोमेना है। और इन्फ्लेशन को लो रखने का तरीका ये है कि मॉनेटरी ग्रोथ को जो है वो अलाइन किया जाए जो एक्सपेक्टेड रियल आउटपुट ग्रोथ है उसके मुताबिक। सो मनी सप्लाई अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि उससे जो है वो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन अगर मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल की जाएगी तो उससे जो है वो महंगाई नहीं बढ़ेगी। सो उसके बाद है द रियल बिजनेस स्कूल साइकिल्स। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को, और बेस्ड ऑन द एजम्पशंस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। जो एजम्पशंस हैं वो जो है क्लासिकल थ्योरी के जो बुनियाद है, बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑन द क्लासिकल थ्योरी। सो और उसके बाद है फिर रियल एक्सपेक्टेशन स्कूल। सो रियल एक्सपेक्टेशन स्कूल एक इकोनॉमी थ्योरी है जो कि स्टेट करती है कि इंडिविजुअल्स जो है वो डिसीशन करते हैं जो अवेलेबल बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसकी बुनियाद के ऊपर, मार्केट के अंदर जो बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसकी बुनियाद के ऊपर, और वो सीखते हैं जो पास्ट ट्रेंड्स होते हैं उनसे। और उसके बाद है फिर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। सो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है एक ब्रॉड थ्योरी जो कि फोकस करती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर एज अ ड्राइविंग फोर्स के तौर पर, इन ड्राइविंग फोर्स के तौर पर जो कि पीछे है प्रोडक्शन प्राइसिंग और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। और उसके बाद है आखिर में फिर न्यू कीन्ज़ियन स्कूल। सो न्यू कीन्ज़ियन थ्योरी जो है वो फोकस करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और स्टेबिलिटी के ऊपर रैदर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये हुआ लेसन नंबर 27 कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।